लोग ये गलत फहमी में होते हैं कि भाई जो जो आ रहा है सब कुछ लेते जाओ, क्योंकि अभी मेरे सामने एक बंदे ने आइसक्रीम ली थी और उसको लगा कि इंक्लूडेड होगी, लेकिन उससे कुछ 20,000 इन्होंने सोम ले लिया। तो इस समय हम अभी ताजिकिस्तान बॉर्डर के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। इस सामने जो सारे पहाड़ दिख रहे हैं, ये बोलते हैं कि ये आधे पहाड़ इस तरफ हैं और आधे उस तरफ हैं। तो ट्रेन की स्पीड क्रॉस हो चुकी है अबाउट 190 किलोमीटर, अभी 200 भी टच हो गई थी। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। पहुंच चुका हूं मैं समरकंद के वोगजाल रेलवे स्टेशन पे और यही है मेरी ट्रेन, जो बुलेट ट्रेन है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं लेने वाला हूं आज, और यहां से ताशकंद की जर्नी है अराउंड 2 घंटे की। नॉर्मल ट्रेन होती है तो अराउंड 4.5 से 5 घंटे लेती है, लेकिन ये ट्रेन अराउंड 2 घंटे में पहुँचा देगी हमको ताशकंद। और पूरा एक्सपीरियंस आज इसका लेने वाले हैं, और फर्स्ट टाइम बुलेट ट्रेन में बैठ रहा हूँ मैं, तो स्पीड भी चेक हो जाएगी एक तरह से। बाकी इसमें इकोनॉमी क्लास का मैंने टिकट लिया, अराउंड $10 की टिकट है, और साथ में इसी में बीच में एक रेस्टोरेंट वाला भी कोच है, तो वो भी दिखाऊंगा आपको कैसा रहता है। अभी आई थिंक 20 मिनट्स हैं, तो इसलिए अभी गेट्स बंद हैं, अभी शायद हो सकता है 5-7 मिनट खुल जाए। तो पूरा इसका आज एक्सपीरियंस करेंगे और पूरा आपको मैं इंटीरियर दिखाऊंगा इसका। 3 क्लासेस है इसमें, इकोनॉमी, बिजनेस एंड VIP, तो अलाउ होगा दूसरी क्लासेस में जाने के लिए भी, तो एक बार मैं जाके एटलीस्ट लुक दिखा दूंगा कि क्या डिफरेंस है इन तीनों में। पहुँचते हैं ताशकंद, और ताशकंद में क्या है कैसे है अभी कुछ पता नहीं है, वहाँ जाके पता चलेगा। बाकी आपको मैं एक बार ट्रेन चलती है तो मैं बैठता हूँ अंदर और आपको दिखाना स्टार्ट करता हूँ। ये है यहाँ की ट्रेन अफ्रोसियाब। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, कहीं पे भी जितने भी नाम हैं यहाँ पर कहीं पे भी ओ यूज़ होता है, जैसे इंडिया में अपने ए यूज़ होता है, जैसे शाहरुख खान, तो यहाँ पे शाहरुख खान होता है, ऐसे ए की जगह हर जगह ओ लगा देते हैं यहाँ पे लोग, तो इसका भी नाम अफ्रोसियाब होने की जगह मैंने अफ्रोसियाब के नाम से रखा हुआ इन्होंने। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम सीट्स हैं, बस सीट में एक तरफ दो सीटें हैं और एक तरफ सिंगल सीट है, इसके अलावा कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इसके अंदर किसमें भी। ट्रेन में बैठ चुका हूँ, ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है, और ट्रेन में बैठते ही यहाँ पे मील वगैरह का सिस्टम शुरू हो चुका है। मुझे लगा था कि इस वाली टिकट पर शायद इंक्लूडेड नहीं होगा इकॉनमी वाली क्लास में, लेकिन इसमें भी इंक्लूडेड है, तो इसमें भी एक मुझे अभी जस्ट मील का एक ये कुछ पैकेट देखे गए, तो देखता हूँ इसके अंदर क्या क्या है और आपको भी बताता हूँ। लेकिन मुझे लगा था सिर्फ ये बिज़नेस क्लास में इंक्लूडेड होगा, लेकिन इसमें भी इंक्लूडेड है। बाकी खाने पीने का जो यहाँ से पीछे से जो इनका कोच है फूड वाला रेस्टोरेंट, उसमें से कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर में आता जा रहा है, तो लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी गलत हो गई। मेरे को लगा था ये वाली जो 4 टेबल होती है बीच में, एक उस साइड होती है और एक बैक साइड होती है, मेरी जो सीट है बैक साइड वाली उस पर है, तो जिस तरफ ट्रेन चल रही है मेरी सीट उस साइड है, तो थोड़ी सी एक ये दिक्कत हो गई। इसमें एक है
मफिन, कॉफी और एक ये है क्रोज़ों और ये है अपना आई थिंक या वेट पाइप। तो ये तीन चीज़ें इंक्लूडेड है और साथ में एक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री चाय अगर आपको कुछ चाहिए तो ये इंक्लूडेड होता है इसमें। बाकी जो भी आपको अगर ये देंगे यहाँ पर आके तो मोस्टली चीज़ें पेड होती हैं, तो ये मत समझना कि वो भी इंक्लूडेड है। कई लोग ये गलत फहमी में होते हैं कि भाई जो जो आ रहा है सब कुछ लेते जाओ, क्योंकि अभी मेरे सामने एक बंदे ने आइसक्रीम ली थी और उसको लगा कि इंक्लूडेड होगी, लेकिन उससे कुछ 20,000 इन्होंने 100 ले लिए थे। तो इस धोखे में मत रहना कि सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, क्योंकि ये इनका बिजनेस भी होता है एक तरह से। तो जो फूड वाले जो पीछे रेस्टोरेंट है इनका, तो रेस्टोरेंट से वो लोग आके इनका वो अलग जो बिज़नेस होता है कि भाई अंदर जो चीज़ें सेल कर सकते हो वो भी सेल करो। तो बीच बीच में एक बंदा आएगा कॉफ़ी भी पूछेगा आपसे, लेकिन वो उसका भी जो पैकेट वाली कॉफ़ी है वो अलग है और जो इंक्लूडेड है वो अलग है। इस समय हम अभी ताजिकिस्तान बॉर्डर के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। सामने जो सारे पहाड़ दिख रहे हैं, ये बोलते हैं कि ये आधे पहाड़ इस तरफ हैं और आधे उस तरफ हैं, तो बॉर्डर इसके बीच में ही है, ये पहाड़ों के बीच में ही बॉर्डर है। और ये मैप में भी मैंने देखा और किसी ने अभी मेरे को जस्ट बताया भी है कि वो वाले पहाड़ जो सामने हैं वो पूरा ताजिकिस्तान एरिया आ जाता है वहाँ से। तो अगर आप यहाँ से ताजिकिस्तान जाना चाहो तो आई थिंक वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप समरकंद से जाओगे तो इजी है, ताशकंद से आपको वापस इधर ही आना पड़ेगा। समरकंद से अगर आपको उस साइड जाना है तो आप ताजिकिस्तान अगर प्लान कर रहे हो तो समरकंद से इजी पड़ता है। तो ट्रेन की स्पीड क्रॉस हो चुकी है अबाउट 190 किलोमीटर, अभी 200 भी टच हो गई थी वैसे और अभी 190 के आसपास चल रही है। तो आई थिंक ये अभी इसकी हाईएस्ट स्पीड थी जो मैंने अभी देखी थी। जैसे बिल्कुल फ्लाइट वाली सर्विस होती है ना, इसमें भी एक तरह से जैसे फ्लाइट में एयर होस्टेस आके आपको कुछ ना कुछ दे देते, तो वही हिसाब है। यहाँ का ओजा खाना, और मतलब उज़्बेकी लैंग्वेज में टॉयलेट को ओजा खाना बोलते हैं। अब मैं बाकी का हिस्सा तो नहीं दिखाऊंगा, ये दिखा देता हूँ आपको। बाकी मिरर लगा हुआ है और यहाँ पे क्योंकि टिश्यू वाला हिसाब किताब है तो टिश्यू लगा हुआ है यहाँ पर। सब कुछ ब्लूटूथ वाला है भाई, वायरलेस, और यहाँ तक हैंड ड्रायर भी है। चलो इसके भी दर्शन करा दिए। सर्विस तो बहुत बढ़िया लगी मुझे, मतलब लगा नहीं कि भाई ट्रेन में बैठे हैं, लग रहा है कि बिल्कुल फ्लाइट वाली फील आ रही है। बस ये है कि सीट बेल्ट वाला हिसाब नहीं है, बाकी फील पूरी फ्लाइट वाली आ रही है ट्रेन। और मेरे को सीट का एक पंगा हो गया कि जो सेंटर वाली सीट होती है ना, मैंने वो वाली सीट सेलेक्ट करी, मुझे लगा टेबल होगी उसमें, विदाउट टेबल है। तो जो भी कुछ रखना है वो साइड साइड में रख के खाना पीना पड़ रहा है और गोद भी रखना पड़ रहा है। बस एक एक गलती होगी, साथ में मेरे एक आगे बैठ गए बुढ़े अंकल, वो ना कोई लैंग्वेज आती है और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ वो नहीं, बहुत ज़्यादा एज है उनकी, तो थोड़ा टाइपर वाइपर वाला हिसाब लग रहा है उनका। आगे आप समझ जाओ कि मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। चलो ठीक है, किस्मत अब ऐसे ही चल रही है तो क्या कर सकते हैं। तो इस वाली ट्रेन में जो एसी लगा हुआ है वो ऊपर की तरफ नहीं लगा हुआ है, ऊपर कुछ नहीं एसी है, इधर खिड़की के नीचे सारी हवा इस तरफ से आ रही है इसके अंदर से ठंडी हवा।
मैं वही सोच रहा था काफ़ी देर से कि बैठा हुआ हूँ कि हवा कहाँ से आ रही है समझ में नहीं आ रहा है। अभी पता चल देख रहा हूँ तो इसके अंदर से सारी हवा आ रही है एसी की, तो ये एयर कंडीशन बिल्कुल खिड़की के साथ में लगा हुआ है इसमें। वीआईपी एरिया जो है यहाँ से अराउंड 3 या 4 डब्बे आगे जाके, इसलिए मैं वहाँ तक तो नहीं जा पाऊँगा, तो मैं यहीं से फिलहाल शूट कर रहा हूँ। मैंने पूछा इनसे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, कह रहे जा सकते हैं लेकिन थोड़ा आगे जाना पड़ेगा आपको और उसमें परमिशन लेनी पड़ेगी स्टाफ की, मतलब इतनी टेंशन नहीं है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। बिजनेस क्लास मैंने यहाँ से आपको दिखा दिया, इसका $5 एक्स्ट्रा है, तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास में क्या फ़र्क है। वीआईपी क्लास तो मोस्टली लोग नहीं लेंगे, प्रेफर नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता, तो उसमें बस थोड़ी सी सीट और कम्फर्टेबल है और खाना पीना उसमें थोड़ा आपको टेबल लगी हुई है एक तरह से, जो मेरे को इन्होंने बताया, उसमें बस टेबल लगी हुई है और टेबल पर आपको खाना पीना मिल जाता है, बस ये डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस। जो मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाया, बाहर से तो मैंने सोचा दिखाई देता हूँ,